1947 में मिली आजादी कुछ सालों की कहानी है, जैसे भी जो हो गुजरी मैंने आपको सुनानी है। ये हुकूमत अंग्रेजों ने भारत के रहने वाले थे, भारत देश के लोगों को वो काला कहने वाले थे, भारत देश में रहकर उन्होंने इतने जुर्म कमाए थे, महात्मा गांधी पंडित जी के दिल में ये न समाये थे। छेड़ दिया आंदोलन तब से जेलों में ये रहते थे, पंडित नेहरू लाजपत राय उनके साथ ही रहते थे, भगत सिंह और राजगुरु ने पटेल को साथ बुलाया था, सुभाष चंद्र तो फौज को लेकर कलकत्ते पहुंचाया था। 1943 में आजाद हिंद फौज बनाई थी, सुभाष चंद्र तो कमांडर इनका इनकी ही रहनुमाई थी। एक तरफ अंग्रेज हुकूमत, एक तरफ ये अकेले थे, कई रोज तक भूखे प्यासे जेलों में ये रहते थे। मुसलमानों ने साथ दिया था आजादी की लड़ाई में, मौलाना की बात करूं क्या कहीं पीर नवाबों ने, चलिया वाले बाग की बात बड़ी दुखदाई थी, अंग्रेजों के हाथों कई पीरों ने जान गुवाई थी। और बताऊं नाम में उनके जिन्होंने दी कुर्बानी है, तिलक गोखले बाल गंगाधर इतना याद जुबानी है, और तू में भी थी एक बहादुर झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों को मार भगाया दिल में अपने छानी थी, अंग्रेजों की साजिश से हिंद और पाकिस्तान बना, सदियों पहले एक मुल्क था एक ही हुक्मरान, यहाँ छोटे राजवाड़े खत्म किए थे एक ही देश बनाया था, जम्मू कश्मीर तो ताज है इसका उसी वक्त पहनाया था, महाराजा हरि सिंह थे हाकम आखिरकार में भागे थे, वारलाल से हाथ मिलाकर शेख साहब भी आगे थे। बात बात पर ना लड़ना ये भी एक नादानी है, एक देश के बेटे हैं सब एक ही माता रानी है, काटू का जो बीज बोया है काटना अब आसान नहीं, हिंदुस्तान की बात करूं क्या दुनिया का अब ज्ञान यही। 26 जनवरी 1939 को लाहौर में एक अधिवेशन था, जवाहरलाल तो पहले पहुंचा, कई लीडरों का भाषण था, 26 जनवरी 1950 को पूरा ही अधिकार मिला, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल प्रधान मिला। इस मौके पर कई राज्यों ने अपना दर्जा पाया था, राज्यपाल तो ड्यूटी देते जहाँ जहाँ पे लगाया था, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क रियासतों में चीफ बनाए थे, अशोक चक्र और एक करेंसी नोट ऐसे छपवाए थे, तीनों फौजों के जनरल जब सलामी ऐसे देते हैं, इंसानों की बात करूं क्या देवता भी खुश होते हैं, देश हमारा तरक्की पर है जिसका कोई शुमार नहीं, पानी बिजली रोड बना जंगल बचाना काम यही, स्टेट तो तोड़कर यूपी बन गए अपना वायदा निभाया है, सब मुलाजों से अंगूठा लगवा कर काफ़ी टाइम बचाया है, अभी तो कहानी बहुत है लंबी इतनी याद बतानी है, द्वारकाडा से लिखी थोड़ी इतनी याद जुबानी है, जय हिंद जय भारत।